हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना एश्रम कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। कभी कभी आप अपना एश्रम कार्ड बनाते हैं, बनाने के बाद आपका एश्रम कार्ड गुम हो जाता है या आपका एश्रम कार्ड जो है बनाने के बाद साइड बाहर से देता है, बंद हो जाता है, लेकिन बाहर आ जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है एश्रम कार्ड आप बना लेते हैं लेकिन डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप अपना एश्रम कार्ड डाउनलोड कैसे करें। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके माइंड में कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख बताइए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाएगी और उसको आपको बताया जाएगा। चलिए दोस्तों नई नई जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं, आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो दोस्तों आपको अपना एश्रम कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप अपने गूगल में आएंगे। तो मैंने देखिए अपना क्रोम ब्राउज़र खोला है और यहाँ पर आने के बाद आप सबसे पहले सर्च मारेंगे एश्रम कार्ड। देखिए इस तरह लेके आप सर्च मारेंगे तो आप जो है यहाँ पे जो बता रहा है पहले ही से, तो आप इस तरह जब सर्च मारेंगे तो आप जो है ऊपर सबसे ऊपर देखिए इस तरह खुल कर आएगा। तो आप यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन एश्रम आप इस पर दबाएँगे। इस पर दबाने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने इस तरह से खुलकर आएगा। तो आपको दूसरी वीडियो से बने रहिए, आप अपना बहुत ही अच्छा से डाउनलोड करना सीख जाएंगे। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जो आप अपना एक नंबर डालेंगे और यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे। तो चलिए मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, वो नंबर जो अपने आपके आधार कार्ड से लिंक हो। हाँ दोस्तों, यहाँ पर वो नंबर आप डालेंगे जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो। चलिए मैं डाल देता हूँ, उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर देता हूँ। देखिए मैंने डाल दिया। अब डालने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए सेंड ओटीपी, आप इस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ओटीपी आएगा। देखिए मेरे मोबाइल पे भी एक ओटीपी आएगा। देखिए ओटीपी आ गया, मैं ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह प्लीज़ वेट का दिख रहा है, एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद ये नीचे लिख रहा है प्लीज़ वेट। प्लीज़ वेट के बाद देखिए आपका जो है पूरा खुलकर आ जाएगा इस तरह से। अब जो है आप यहाँ पर जो है अपडेट EKYC भी दिख रहा है, आपको इस तरह से नहीं देखना, आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आई एग्री दैट ऑल द इंफॉर्मेशन अपडेट EKYC इंफॉर्मेशन आप नीचे दबाएँगे।
उसके बाद देखिए आपके सामने दो आ गया। ऊपर देखिए यहाँ बगल में देखिए अपडेट प्रोफाइल और यहाँ बगल में देखिए डाउनलोड UAN कार्ड, आप इस पर दबाएंगे तो ये आपके सामने इस तरह से पूरा खुलकर आ जाएगा दोस्तों। अब आप इसको देखिए यहाँ पे लिखा डाउनलोड UAN कार्ड, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ कमी रह गई, दिमाग में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।